तो यहाँ पर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दे दिया गया है, जिससे आपका फोन हमेशा चार्ज रहे। अगर आपने 500F देख रखी है तो आपको समझ में आएगा कि ये बेबी 500F है। सितारों की चमकती दुनिया में मशीनों का बोलबाला है, और आज जहाँ मैं बैठा हूँ ये है रामोजी फिल्म सिटी, और यहाँ पर मैं भी कुछ शूट करने आया हूँ। मेरे पास बड़े बड़े कैमरे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है ना वो आपको बहुत कुछ दिखा जाएगा, उन सपनों की कहानी पूरा करने की बात बता जाएगा, जहाँ पर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो बहुत तेज भागे और साथ में जब आप उस पर बैठे तो बहुत स्टाइलिश लगे। तो जब होंडा ने इस मोटरसाइकिल को अनाउंस किया जिसका नाम है CB300F, तो मैंने सोचा कि आप तक मैं एक वीडियो लेके आता हूँ और बताता हूँ अपने फर्स्ट राइड इंप्रेशन में कि ये मोटरसाइकिल आपके काम की है या नहीं, क्योंकि मुझे पक्का पता है जब आप इसे देखेंगे तो बहुत सारे लोग कॉमेंट करके बताने वाले हैं कि उनको कैसी लगी, क्योंकि जब मैंने वॉक अराउंड डाला तो वहाँ बहुत सारे कॉमेंट आए हैं, उसका जिक्र मैं सिलसिलेवार ढंग से करूँगा और मैं बताऊँगा कि मुझे कैसी लगी ये मोटरसाइकिल, चलाने में कैसी है, तो पूरा जिक्र इस वीडियो में आपको नजर आ जाएगा और क्लियर हो जाओगे आप कि ये खरीदना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके डिजाइन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं। तो ये बाइक जो है दो वेरिएंट में लॉन्च की गई है, डीलक्स और डीलक्स प्रो। डीलक्स इसका बेस वेरिएंट है जिसकी कीमत 2,25,900 रुपये है, और इसका जो टॉप वेरिएंट है डीलक्स प्रो उसकी कीमत है 2,28,900 रुपये। तो ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, तो इससे बहुत सारे लोग बहुत सारे क्लूज निकाल रहे हैं। जो होंडा बोलती है वो इसे स्ट्रीट फाइटर बोलती है, उसका कहना है कि इस मोटरसाइकिल पर उसने बड़ा इंजन दिया है जिससे उन लोगों को जिन्हें बाइक बल्कि नहीं चाहिए परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए उनके सपने पूरे हो जाएं। और यहाँ पर जो कुछ आपको मिलने वाला है वो आपको बता देता हूं। तो ऑल एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है और टर्न इंडिकेटर भी आपको एलईडी मिलते हैं, बहुत खूबसूरती से अपना काम करते हैं, जब जल रहा होगा तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से आपको एक छवि नजर आएगी, वो हॉर्नेट वाली है, और बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ हो रही है, लेकिन चलाकर देखेंगे और जानेंगे भैया जो लॉन्च किया चलो ठीक है, डिज़ाइन समझ में किसी को नहीं आ रहा है, हो सकता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है, लेकिन चलाने में कैसी है तो उसका परफॉर्मेंस में जिक्र करके आपको बताएंगे कि ये आखिरकार वहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है या नहीं जहाँ पर होंडा इसे प्लेस करना चाहती थी। यहाँ पर आपको जो व्हील मिल रहा है अलॉय व्हील, ये पूरा ब्लैक है और वी शेप्ड आपको मिलता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, अलग अंदाज इसका रहता है। और आपको जो टायर मिलने वाले हैं तो रेसिंग स्टाइल आपको टायर मिलेंगे, तो आपको अगर आप रेसिंग ट्रैक गए होगे वहाँ पर रेस ट्रैक वगैरह देखा होगा तो इस तरीके के टायर अमूमन यूज़ किए जाते हैं जिससे आपको ज़्यादा रफ्तार मिलती रहे, लेकिन ऑफ रोडिंग टायर नहीं है ध्यान रखिएगा। साथ में यहाँ पर जो आपको टायर प्रोफाइल मिलता है वो है 110/70R17 का, कैसे काम करेगा इसका भी जिक्र किया जाएगा जब हम राइड कर रहे होंगे। आगे आपको 276mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको 220mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है, तो इन सारे नंबरों से पता चलता है कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाली है, लेकिन ये पता चलता है, लेकिन असलियत तब पता चलेगी जब मैं इसे चला रहा हूँ। तो चलिए कुछ और जिक्र करते हैं, साइड प्रोफाइल से दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें, इंजन कैसा इसमें दिया गया है, अब ऑयल कूल्ड इसमें दे दिया गया है वो किस तरीके से दिखता है, वो सब कुछ समझाते हुए फीचर एक्सप्लेन करते हुए फिर बढ़ेंगे राइडिंग की तरफ। होंडा की मोटरसाइकिलें अमूमन मुझे डिज़ाइन वाइज भी बहुत पसंद आती हैं, और मैं पहले ही जैसे मुझे इसका इन्विटेशन मिलता है तो राइड करने चला आता हूँ आँख बंद करके, और मैं पूरा श्योर था कि इसका डिज़ाइन जो आने वाला है वो बहुत ही अलग होगा, बहुत मज़ेदार होगा। लेकिन जब मैंने बाइक को देखा तो पहली नज़र में मुझे प्यार नहीं हुआ, प्यार कब होगा वो बाद में देखेंगे। मुझे लगता है होंडा को यहाँ पर सजेशन भी बनता है कि उसे इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन पर कुछ और एलिमेंट डालने थे जिससे इसके डिज़ाइन में एक नयापन आता है, क्योंकि नयापन मिसिंग है। फ्रेंकली बता रहा हूँ आपको, इसमें नयापन नहीं दिखने वाला है आपको, नयापन अगर दिख रहा है किसी को तो कमेंट करके बताएगा उसे वहाँ पर कहाँ पर नज़र आ रहा है इस मोटरसाइकिल में, वो मैं भी जानना चाहता हूँ। तो जो जो चीज़ें मिलती हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो फेयरिंग का इस्तेमाल वही आपको होंडा हॉर्नेट का याद दिलाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर इसकी बैजिंग मिल जाती है CB300F की, और ये काफ़ी अच्छा आगे से जाता हुआ एरोडायनेमिकली करेक्ट लगता है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। आपको टैंक का कुछ इस तरह से अंदाज मिलेगा, रेड में इस तरह से दिख रही है, और ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा जाते हुए नज़र आएगा, एक कॉम्बिनेशन पूरा सीट तक चला आता है जो जहाँ से आप सीट भी ओपन करते हैं और चाबी भी यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न ऐसे दिया गया है। इसके बाद में जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये इंजन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको
बहुत अच्छा सिस्टम अब मिल जाता है जो कि ऑयल कूल्ड है, उसके लिए सिस्टम बना दिया गया है इस तरफ से। तो इसका अगर लॉन्ग राइड पे आप इसे लेके जाएंगे तो ये आपको सपोर्ट करने वाली है, गर्म नहीं होगी ज़्यादा बाइक, और वहाँ पर ये अच्छा लगने वाला है। जो कलर कॉम्बिनेशन है होंडा का लिखा हुआ, ये भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में और काफ़ी कुछ करेक्ट नज़र आता है। साथ में यहाँ पर आपको ये इंजन प्रोटेक्शन के लिए दे दिया गया, इस पर होंडा की बैजिंग भी मिल जाती है, तो इंजन काउल भी यहाँ पर मिल जाता है। 6 स्पीड वाली गियरबॉक्स वाली मोटरसाइकिल है, पहला आगे बाकी ऊपर, इस तरीके के पैटर्न के साथ में आती है। और इस तरह से देखिए, ये फुटपेग हो गया राइडर का और ये हो गया पिलियन का। पीछे जो आपको यहाँ पर सस्पेंशन मिलता है मोनोशॉक है, 5-way एडजस्टेबल है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। चेन को छुपाने के लिए कोई कवर वगैरह नहीं दिया गया, खुला रहता है, स्पोर्टी मोटरसाइकिल में ये समझ में भी आता है, अच्छा लगेगा। पीछे की तरफ आएंगे तो आपको मोटे टायर मिल जाते हैं क्योंकि ऐसे कंडीशन लोग पसंद भी करते हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगने वाला, मतलब ये जब आप ग्रिप की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा ग्रिप ये दे के चली जाएगी और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ में यहाँ पर सारी गार्ड जैसा ये एक ट्रीटमेंट मिलेगा, अच्छा लगेगा। और पीछे ये आता हुआ जहाँ पर आप नंबर प्लेट लगाते हैं, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको इस तरह से मिल जाते हैं, हैजार्ड लैंप भी इसमें जलता रहता है, साथ में उसके लिए बटन दे दिया गया है। और ये पूरा जो यूनिट है बहुत खूबसूरत लगती है, जो जलती है पूरी एलईडी है, तो ये अच्छा लगेगा। और साथ में ये जो आपको ग्रैब रेल दिए गए हैं, इसके डिज़ाइन एलिमेंट को उभार के आगे रख देते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत मुझे लग रहे हैं, लेकिन नयापन बहुत मिसिंग है कहीं ना कहीं से। जब कोई आप करीब से देखोगे, अगर आपने 500F देख रखी है तो आपको समझ में आएगा कि ये बेबी 500F है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए पीछे दिखाता हूँ आपको, इस तरफ आप देख लीजिए ध्यान से, और इस तरफ जो आप देखेंगे यहाँ पर जो सीट दिया गया है, ये आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, पिलियन के लिए अलग मिल जाएगा और राइडर के लिए अलग मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन कैसा है बैठ के भी बताता हूँ कि कितना मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। और साथ में यहाँ पर एग्जॉस्ट बहुत बड़ा नहीं दिया गया है, कैसे साउंड करता है उसे बाद में भी आवाज़ सुनाता हूँ आपको, लेकिन इस तरीके का पूरा आपको जो ट्रीटमेंट ब्लैक रेड और जो 3 कलर में आती है उसके साथ में मिलता है, तो कुछ इस तरह से चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। फ्रेम अच्छा है, करेक्ट लगता है, एरोडायनेमिकली करेक्ट लगती है, जब आप चलाएंगे तो लगता है कि काफ़ी कुछ परफॉर्म करके दे जाएगी, लेकिन अब दिखाना ज़रूरी है कि जब मैं बैठता हूँ इस पर तो मैं कितना कंफर्टेबल रहता हूँ और हाथ के हाथ इसका आवाज़ भी सुना देता हूँ, क्योंकि आवाज़ मोटरसाइकिल की दुरुस्त रहनी बहुत ज़रूरी है, खास करके जब आप होंडा की मोटरसाइकिलों से कुछ उम्मीद लगा के चलते हैं तो वहाँ पर आवाज़ सुनने का ज़रूर मन करता है। तो बैठ जाता हूँ, सबसे पहले देखिए मैं कितना कंफर्टेबल हूँ। तो अगर मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पर तो ये मेरी राइडिंग पोजिशन होने वाली है, और सच बताऊँ मुझे हॉर्नेट वाली राइडिंग फील पूरी की पूरी आ रही है। यहाँ बैठता हूँ तो दोनों पैर यहाँ पर आ जाते हैं, इस तरह से समेट उठते हैं, तो राइडिंग के टाइम पर ये परफेक्ट लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली बताऊँ तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो हैंडल का पोजिशन है ये भी काफ़ी अच्छा है, ग्रिप अच्छे से आ जाता है, और ये जो साइड व्यू मिरर दिए गए हैं अच्छे से अपना काम कर जाते हैं, तो इस पे विजिबिलिटी वगैरह अच्छे से मिलती रहती है। बटन भी काफ़ी अच्छे से पोजीशन किए गए हैं, हालांकि हॉर्न के नीचे टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं तो वहाँ तक पहुँचने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, बट मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े टाइम में आप यूज़ टू हो जाएंगे जब किसी मोटरसाइकिल के साथ चलाना शुरू करेंगे। तो क्या करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, चाबी ऑन करते हैं, और ऑन करने के साथ ही जब मैं इसे, तो ये इसका, तो ये आइडल में इस तरीके से चल रही है 2000 RPM पर, कुछ इस तरीके से आपको ये मिल रहा है। इसे पता चलता है कि काफी कुछ परफॉर्म कर सकती है। थोड़ा एक्सीलरेट करते हैं, आवाज़ से मुझे होंडा लग रही है। आपको क्या लग रही है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इंतज़ार करूंगा। और अब बारी है कि यहां पर आपको जो फीचर्स मिलते हैं कंपनी ने दिए हैं वो क्या क्या हैं, वो दिखा देता हूं। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जब आप ऑन करेंगे चाबी इस तरह से शुरू हो जाएगा, इसको बंद कर देता हूं, हजार्ड लैंप का बटन। तो यहां पर आप ट्रैक्शन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, अच्छा दबा के रखें, देखिए ऑफ हो गया, और जब स्टार्ट करेंगे चाबी लगाएंगे तो अपने आप ऑन रहेगा। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसे आपको दिखा रहा है पूरा साथ में, देख सकते हैं कितना किलोमीटर चल चुका है, न्यूट्रल में बाइक है, जो भी गियर में होगा बाइक वो यहाँ पर दिखता रहेगा। 25.7 किलोमीटर में चला चुका हूँ अभी, और ये देखिए 0.9, ये एल जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया 0.9 लीटर में मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया है। और आगे जाके देखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इस एवरेज स्पीड पर मैंने इसे राइड किया है,
और ये मुझे माइलेज मिला है 25.7 किलोमीटर प्रति लीटर का मुझे माइलेज मिला है। तो शुरू में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, तो जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया है वो बताता हूँ। तो वो मैंने कवर किया है 21 किलोमीटर। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको दबा के रखना है, तो ये पूरा का पूरा ये कनेक्ट मतलब कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं। अगर आपके हेलमेट में ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ है तो फ़ोन वगैरह आप वहीं से वॉइस रिकॉग्निशन के जरिए बहुत कुछ कमांड दे सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स इसमें दे दिए गए हैं, जब आप खरीद लोगे यूज करना शुरू करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और बाइक चलाते हुए खास करके ये प्रीमियम सेगमेंट में मिड साइज प्रीमियम सेगमेंट में इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर सी टाइप तो इस साइड में आपको मिल जाएगा और ये अच्छे से काम करता है, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। और अभी मैं आईफोन यूज करता हूं तो मैंने चार्ज करके देखा तो ये मुझे काफी बेहतरीन फीचर लगा। अब बारी है इसे चलाने की, अब मैं पहनूंगा हेलमेट और निकल जाऊंगा इसे चलाने के लिए। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं होंडा की इस स्ट्रीट फाइटर को, जिसे 300F यानी कि CB300F नाम दिया गया है। इनिशियल पिकअप आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप शिफ्ट करने से पहले मतलब बहुत सारी रफ्तार पकड़ लेते हैं, तो तीसरे शिफ्टिंग पर जाते जाते आप 100 पार कर जाएंगे, ये श्योर है, ये बाइक मेक श्योर करती है। और यहाँ पर आपको बढ़िया रफ्तार भी मिल जाएगी। मेरा वजन 90 kg के आसपास है, फिर भी मैं आराम से इस रफ्तार पर फटाक से पहुँच गया। तो देख सकते हैं कितनी क्विक है, एक्सीलरेशन अच्छा मिलने वाला है। और जहाँ पर बात करते हैं इसके पिकअप की, तो पिकअप को इनिशियल पिकअप आपको अच्छा मिलेगा, मिड रेंज अच्छा मिल जाता है। और जब आप टॉप स्पीड की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एक वाइब्रेशन आपको 100 के बाद में फील होगी, लेकिन होंडा का जो रिफाइनमेंट है वो आपको सहयोग करता है कि आप अच्छे से इसे चलाते रहें। मेरे हाइट के हिसाब से मैं आराम से इसे एडजस्ट कर पा रहा हूँ, अच्छे से मैन्यूवर कर सकते हैं। जब आप ऐसे ट्विस्टी रोड पर होंगे तो आराम से निकल जाती है बाइक और अपने लेन में बनी रहती है, कॉन्फिडेंस आपको मिलता रहता है। लेकिन इसके ऊपर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर आप सोचते हैं कि लिक्विड कूल इंजन लगा है 293 cc का, जिस मोटरसाइकिल में इंजन है 24 bhp की शक्ति देती है और 25.6 Nm का टॉर्क निकलता है, तो उस लिहाज से हो सकता है थोड़ा सा डिसअपॉइंट करे जब आप बहुत ज़्यादा और परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा जो अपनी रोड कंडीशन है वो ज़्यादा अलाउ भी नहीं करती है कि आप बहुत कुछ इसे कर पाएँ। तो ये रफ्तार तो मैं हासिल कर रहा हूँ क्योंकि हम टेस्टिंग जगह पर हैं जहाँ पर आराम से बाइक को चला सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर तो मैं नहीं खींच क्योंकि मेरा वजन अलाउ नहीं कर रहा है। बट जिसका वजन कम होगा तो हो सकता है उसे ज़्यादा बेहतर राइडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आराम से कर सके। लेकिन जब आप एक कंफर्टेबल स्पीड ढूंढ रहे होंगे कहाँ पर चल सकते हैं, तो 100-110 के बीच में आप इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यहाँ पर जो माइलेज आपको मिलेगा वो, क्योंकि मैंने माइलेज टेस्ट यहाँ पर किया नहीं है इस मोटरसाइकिल का, लेकिन फिर भी 30+ आपको माइलेज मिल सकता है, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आपको इस मोटरसाइकिल से अचीव हो सकता है आसानी से। एरोडायनेमिकली काफ़ी करेक्ट मोटरसाइकिल है, लेकिन जब आप और रफ्तार हासिल करना चाहेंगे तो इस पर झुकना पड़ेगा। तो जो इसका फेयरिंग वगैरह दिया गया है जस्टिफाइड है, बट वही बहुत सारे लोगों को डिज़ाइन नहीं पसंद आई है। थोड़ा सा काम और होंडा ने किया होता अच्छे से तो इस मोटरसाइकिल के फेवर में बहुत कुछ आ जाता। इसके अलावा जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो था होंडा का सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल, जिसे HSTC बोलती है होंडा, और यहाँ पर मेंटेन रखती है रियर व्हील ट्रैक्शन को। इसके ट्रैक्शन को आप ऑफ भी कर सकते हैं इसके स्क्रीन के साथ में। होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, जिसके मैं फेवर में नहीं हूँ क्योंकि आपके राइड को इंटरप्ट कर सकती है और ऐसी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए जो आप बाहर की आवाज़ को बंद करके रखे। फुल डिजिटल मीटर इसमें मिल जाता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती रहेंगी, जैसे कि ट्रिप ए, ट्रिप बी, सब कुछ आपको दिख जाएगा। कितना माइलेज आपको मिल रहा है रियल टाइम वो भी दिख जाएगा, कितना लीटर पेट्रोल खर्च हुआ है इस किलोमीटर को तय करने में वो भी दिख जाएगा। साथ में फुल LED हेडलैम्प और ब्लिंकर्स जो दिए गए हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, अच्छी चीज़ है राइडिंग में के दौरान। ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देती है, आप सेफ्टी के साथ राइड कर पाते हैं। इसका जो 6-speed ट्रांसमिशन है बहुत प्रिसाइज है, आराम से आप शिफ्टिंग करते चले जाइए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आराम से बढ़ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। असिस्ट एंड स्लीपर क्लच दिया है होंडा ने इसमें, जो कि बहुत अच्छा है। और एक चीज़ जो मुझे इसकी सबसे बेहतरीन लगी वो थी इसका गोल्डन USD पॉर्ट्स जो इसमें दिया गया है, उसके हिसाब से इसका ट्रेबल सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, तो आपको दर्द नहीं मिलता है और गड्ढों को आराम से पार कर लेती है। इसके साथ में जो रियर मोनोशॉक है उस पर भी इंजीनियरिंग की गई है, 5-way एडजस्टेबल दे दिया है कंपनी ने, जिसके सहारे जब आप गड्ढे वड्ढे से निकल रहे होते हैं तो वहाँ पर आप इसका भी ट्रेबल बहुत अच्छा है, तो आपके कमर को दर्द नहीं पहुँचता है, जिससे आप लंबी राइड प्लान कर सकते हैं। इसका हैंडल बार जो है उसको कंपनी बोलती है टेपर्ड हैंडल बार दिया गया, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि मुझे अच्छा लगा पकड़ने में, ग्रिप वगैरह अच्छा मिल रहा है। साथ में जो रियर टायर दिया गया है वो थोड़ा चौड़ा रखा
गया है जिससे आपको ग्रिप अच्छे से मिल जाता है। बाकी चीज़ों की अगर बात करें तो ये आपको राइडिंग के दौरान जब आप ऐसे, क्योंकि आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं राइड कर रहा हूँ इस कंडीशन में मुझे काफ़ी इसने सपोर्ट किया है, लेकिन जब सिटी कंडीशन में मैं पहुँचा और यहाँ पर ब्रेकिंग वगैरह चेक कर रहा था तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि हाँ ये परफेक्ट बाइक है अगर चलाने की बात करेंगे। लेकिन अगर आप डिज़ाइन के लिहाज से बहुत कुछ और सोचेंगे तो हो सकता है वहाँ पर डिसअपॉइंट करें। पिलियन के लिहाज से भी ये कंफर्टेबल होगी अगर पिलियन बैठता है, हालांकि मैंने पिलियन के साथ में टेस्ट नहीं किया है। बाकी अब आपको कमेंट करके बताना है, और अगर ये मोटरसाइकिल कोई खरीदने जा रहा है तो जरा टैग करिएगा उसे, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन खरीद रहा है, मैं उसे मुलाकात करने की कोशिश करूँगा जल्दी। आस्थाओं के इस देश में अगर कोई दिल में बस जाए ना तो उसे लोग भगवान मान लेते हैं, चाहे वो मशीनें ही क्यों ना हो। तो मैं इस मोटरसाइकिल के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये दिल में बस गई लोगों के लिए तो होंडा का ज़्यादातर काम पूरा हो जाएगा। और आपको सच बताऊँ इस देश में मशीनों के भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं अगर आपने विजिट किया हो। लेकिन इसके बारे में कंक्लूजन में इतना ही बोलना चाहूँगा, एक ऐसी मशीन है जो कि बहुत ही कैपेबल है, इंजन बहुत अच्छा है, डिज़ाइन ने अगर डिसअपॉइंट ना किया होता तो मैं बोल देता कि आँख बंद करके खरीद लो, लेकिन डिज़ाइन सब्जेक्टिव होता है, हो सकता है आपको पसंद आ जाए, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, जो मुझे नहीं पसंद आ रहा है हो सकता है आपको पसंद ना आए, और हो सकता है जो मुझे पसंद आ रहा है वो आपको पसंद ना आए। तो ये सब पसंद नापसंद का एक गेम चलता रहता है और हर किसी का अपना मामला है। तो दोस्तों जब मैंने इसे चलाया तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि होंडा की इंजीनियरिंग पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। मिड रेंज अच्छा है, आप 2000 RPM पर ये आइडल करती है वहाँ पे भी अच्छा लगता है, जब आप टॉप स्पीड की तरफ बढ़ते हो तो वहाँ और मज़ा आता है, और जहाँ शिफ्टिंग करते हो वो बहुत ही स्मूथ रहती है। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने हाइट के हिसाब से आराम से मैनेज कर रहा था, बस मेरे दिल में एक ही कमी खल रही थी कि थोड़ा सा डिज़ाइन, फिर वही बात आ जाती है, थोड़ा सा डिज़ाइन बदलना चाहिए था। और होंडा को भी ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए कि क्योंकि जो भारतीय बाजार है, जो यहाँ का जनमानस है, वो अलग सोच रखता है, और युवाओं की पसंद बेशक ही अच्छी है लेकिन अगर उन्हें किसी चीज़ से मैच करती हुई नज़र आती है तो वहाँ पर ठुकराना भी शुरू कर देते हैं। बट फिर भी अगर आप ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसे आप खरीद कर पछताओगे, बट कुछ लोगों को ये बाइक ओवर प्राइस लग सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट में क्या चाह रहे हैं, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और सिटी कंडीशन में भी राइड होने हो सके ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कोई ना सताए, आपको बढ़िया माइलेज भी चाहिए, तो मुझे लगता है होंडा की ये CB 300F आपको ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, अगली किसी और वीडियो में कुछ और नया आपके लिए लेके आते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, मैं कुछ और बना के लाता हूँ।